वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा 80,000 जायदादों पर तखरीब के लिए आइंदा 6-9 महीने में नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट असास पर 135 तिब्बी जायदादों पर तखरीब के लिए नोटिफिकेशन किया गया जारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मौजूदा इमारत के इनदाम की मुखालिफत की। हाईकोर्ट ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अगर हेरिटेज बिल्डिंग को मुनदिम किया गया तो अदालत मदाखलत करेगी। तमाम प्राइवेट स्कूलों में नए तालीमी साल के दाखिलों का सिलसिला दोबारा जोरों पर। अगरचे महकमे तालीम ने स्कूलों को गुज़िश्ता साल की फीस में 10% से ज्यादा इजाफा ना करने के अहकाम जारी किए, ताहम कई निजी इदारे 20% तक भारी फीस वसूल करते हुए पाए गए। हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर, दर्ज हरारत में रिकॉर्ड इजाफा, ताहम आज शाम के वक्त कई मुकाम पर हल्की सी बूंदाबांदी देखी गई। सीपीएम की रियासती इकाई ने बाबा त्री दंदी चिन्नाजय्यर स्वामी के तेलंगाना समक्का और सरक्का के मशहूर कबायली देवताओं के खिलाफ किए गए तबसरों की मजम्मत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बीजेपी लीडर विजय शांति ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत रियासत की तश्कील के बाद पहली बार मुनक़िद होने वाले आने वाले प्रणाहिता पुष्करम्स को नज़रअंदाज कर रही। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डायरेक्टोरेट ऑफ फासिलाती तालीम जनवरी 2021-22 सेशन के लिए फासिलाती कोर्सेस में दाखिले की पेशकश कर रहा। खुफिया इतला मिलने पर SOT मलकाजगिरी जोन रज्जाकुंडा के अहलकारों ने नाचाराम पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को मल्लापुर एक्स रोड नाचाराम के करीब से किया गिरफ्तार, जो गैर कानूनी तौर पर मंशियात की नकल व हमल के जरिए गैर कानूनी रकम हासिल करने के लिए काम कर रहे थे। पंजाब में कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल का 14 अप्रैल को दौरा तेलंगाना। आम आदमी पार्टी ने TRS से टकराने के लिए एक जामे हिकमत अमली की तैयार। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।